इंस्टाग्राम ने जहाँ पर बहुत ज्यादा वेट गेन किया है, वहीं पर इनकी प्रेगनेंसी की न्यूज भी खासी मशहूर है। आज के इस वीडियो में आपको कैटरीना कैफ की ऑफिशियल न्यूज ऑफिशियली तौर पर उन्होंने जो अनाउंस किया बाद वो आपको सुनवाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। जब भी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की शादी होती है तो लोग उनसे सबसे पहले जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज है उनका बेबी, और यही पर आलिया भट्ट ने जो एक्सपेक्टेशन की लोगों को बहुत जल्द ही पूरा कर दिया, शायद टाइम से पहले ही पूरा कर दिया। लेकिन इस टाइम पर कैटरीना कैफ के लिए बहुत सारी लोगों की नेक तमन्नाएं विशेस, और वहीं पर जहां पर शूटिंग पर वो दिखाई देती हैं वो खासी बेबी बम उनका फ्लॉन्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन फैंस का, बहुत सारे फैंस का और इवन इनकी अपनी मैनेजमेंट का ये कहना है कि इट्स अ लिटिल वेट गेन, ये थोड़ा सा इन्होंने अपने वजन को बढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ मैरी क्रिसमस जो कि इनकी न्यू प्रोजेक्ट है इस साल का, उसमें मूवी का कुछ किरदार ऐसा है जिसकी वजह से इनको अपना वेट बढ़ाना पड़ा, इनको वेट गेन करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोगों के इन्हें सिर्फ बात छुपाई जा रही है, दबाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कैटरीना कैफ अपने फर्स्ट बेबी के लिए प्रेग्नेंट है। लेकिन वाइल्ड शूटिंग को बहुत सारी जगहों पर देखा गया जहां पर इनका बेबी बम दो जगह पर तो फ्लॉन्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन फैंस इसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस भी और फैंस इसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस भी रखते हैं। उनका कहना है कि कुछ है तो हमें बताना चाहिए, हम आपके लिए सिर्फ प्रेयर्स ही तो कर सकते हैं। खैर व्यूअर्स, आपका इसमें क्या ख्याल है, इट्स अ लिटिल वेट गेन या फिर कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट है और वो तमाम फैंस और मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहना चाहती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।